जहां इन दिनों देश में लगातार कई सारे मुद्दों पर सियासत उलझी हुई है, तो वहीं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बयानों की बार पलटवार भी लगातार जारी हैं। तो इसी बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेश पाठक ने हाल ही में ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर बात की। साथ ही उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड और मणिपुर हिंसा जैसे तमाम मुद्दों पर भी बयान दिए। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद मामले को कोर्ट के अधीन होने की वजह से ज्यादा कुछ नहीं कहा, तो वहीं यूसीसी पर कहा कि हाल ही में यूसीसी को लेकर पसमांदा मुसलमानों से बात कर उन्हें इस कानून के बारे में समझाया गया है, जिससे उम्मीद है कि मुस्लिम पक्ष भी अब इस कानून को लेकर हामी भरेंगे। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, ये सब प्रक्रिया के सब्जेक्ट है और माननीय न्यायालय चूँकि पूरे मामले को गहन परीक्षण कराते हुए और सभी पक्षों की बात सुन रहे हैं, तो अभी चूंकि न्यायालय में मामला है इसलिए अलग से कुछ कहना ठीक नहीं होगा। बड़ी आस्था का विषय है। हाँ, सभी हम सब लोग आस्था के केंद्र मानते हैं और जितने भी जहाँ भी दुनिया में लोग हैं सभी लोग आस्था का केंद्र मानते हैं। यूसीसी को लेकर जो भ्रांतियाँ हैं, पसमांदा मुस्लिम कल सम्मेलन के रूप में इकट्ठा हुए थे और उसमें हमारे अल्पसंख्यक आयोग के और जो विभिन्न मेंबर्स थे सब लोग होते, सबको बताया गया, स्थितियां साफ हुई हैं, धीरे धीरे डाउन द लाइन बातें जा रही हैं और सच्चाई के साथ सभी लोग यूसीसी के साथ आएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। इस दौरान उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की, साथ ही हाल ही में मायावती के मणिपुर पर आए बयान पर भी रिएक्शन दिया। हालांकि इस अहम मुद्दे पर बोलते हुए वो थोड़ा हड़बड़ाते हुए नजर आए। हमारी सरकार लगातार वहाँ पर शांति व्यवस्था के लिए काम कर रही है। बहरहाल मामले कई हैं और इन पर पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पर जुबानी हमले करने में लगा हुआ है। फिलहाल इन तमाम मामलों पर आगे क्या कुछ होता है ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए इस खबर में इतना ही। खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों से रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।